हेलो दोस्तों, आप में से बहुत बच्चे 12th में या तो इस बार आए होंगे या 12th आपने कर ली होगी। हाँ, हो सकता है कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हो, हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ गया हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए होता है कि 12th के बाद क्या किया जाए। सच में इस वीडियो को पूरा देखना और ये जो आपकी टेंशन है ना, ये काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ कि आपकी कम हो जाएगी। और उसका प्रूफ भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हमने इसके लिए पहले की है और क्या क्या आपको करना है। बस लगभग 5 से 6 मिनट आपको इस वीडियो में देने हैं। मेरा नाम है शिवम कुमार, मेरी BSc, MSc, BEd और MEd एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो चुकी है। मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एज ए करियर काउंसलर। और आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे भी, वहाँ पे भी लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया है। तो आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो कि दूसरे के कहे पर भी नहीं चला करते कि दूसरा हमारा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। ठीक है, पहले सबसे पहले अपने पोटेंशियल को देखो कि आपका पोटेंशियल क्या है। और उससे पहले भी आप देखो कि वैरायटी क्या है। ठीक है, जब आप किसी दुकान पे जाते हो, सपोज करो आप फ्रूट्स खरीदने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं तो आप देखते हैं कि पहले वहाँ पे क्वालिटी क्या है। ठीक है, पहले सभी कोर्सेज के बारे में जानो कि उनमें क्या होता है और उससे क्या स्कोप है। ठीक है, मैं कहूँ कि आपको एक पर्टिकुलर जो कोर्स है बहुत अच्छा है, जब मैं दूसरे के बारे में बताऊंगा तो आपको उससे भी अच्छा लगेगा, मैं तीसरे के बारे में बताऊंगा तो उससे भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोर्सेज में है क्या क्या। ठीक है, पहले सभी कोर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपको फिर उनके बाद चूज करना है कि किस में आप बेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा कम से कम 3 प्लान लेके चलना कि जो आपने सोचा है उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपका सेकेंड प्लान क्या है, और सेकेंड में नहीं होती तो थर्ड क्या है। मैं नहीं कह रहा कि आपको सेकेंड थर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको फर्स्ट पर फोकस करना है, लेकिन एक ही प्लान लेके चलना, उसमें 1%, 2%, 10% ऐसा हो गया कि आप नहीं कामयाब हो पाए तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है ये भी आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, हमारे चैनल पे अगर आप होंगे तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, ये चैनल होता है, यहाँ होम होता है, वीडियो होती है, यहाँ प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में आपको नीचे जाना है थोड़ा सा, और जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर तो टॉपर्स वगैरह हैं हमारे चैनल के, और ये ऐसे ही आके यहाँ पे मिलेगा आपको 12th के बाद क्या करें पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में देखो सबसे पहले क्या है, बीए क्यों करें। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि बीए करने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो आपको देखनी चाहिए 4 मिनट के आसपास की वीडियो, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएंगी। अगर आपको जाना है एयरफोर्स में, आपको पायलट बनना है तो या एयरफोर्स में जाना है, तो आपके लिए वीडियो है जो कि लगभग 3 मिनट 45 सेकेंड की है। काफ़ी कुछ थोड़ी थोड़ी सी आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी बहुत सारी हेल्प कर देगी उससे नीचे वाली वीडियो। उसके बाद BSc के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है जो कि लगभग 5 मिनट के आसपास है। BSc में क्या क्या जॉब ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको पता लग जाएंगे। ये 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख ली है दोस्तों। BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें क्वेश्चन किए हैं और एक अच्छा कोर्स भी है, और इसकी 3 वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलेंगी। प्लेलिस्ट है बिल्कुल कम्प्लीट। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियो ये तो अलग होगी, और जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो बच्चे खाली रहते हैं उनके लिए है कि आप बिल्कुल जैसे अब के टाइम में बिल्कुल ऐसे बैठे हो, 2-3 महीने आपने ख़राब कर दी, तो उसके लिए है। ये वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, और ये लगभग 6 लाख के आसपास चली गई है। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए 12th के बाद क्या करें। ठीक है, ये 14 मिनट के आसपास की वीडियो है। उसके बाद BTech, बहुत बच्चे कहते हैं कि BTech में जाना है, क्या BTech होता है, क्या क्या उसमें ब्रांचेज है, सब इसमें पता लग जाएगी, लगभग 3 मिनट के आसपास की वीडियो है। उसके बाद बी फार्मा भी बहुत अच्छा कोर्स है, जिसको बी फार्मा करना है, 11 मिनट के आसपास की वीडियो कंप्लीट इसमें बताया गया है। उसके बाद BCA की है कि BCA अगर मैं आपको जाना है तो आपके लिए ये वीडियो है। उसके नीचे है टीचर अगर आपको बनना है, आगे जाके आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो ये वीडियो है। उसके बाद अगर आपको UPSC क्रैक करना है, जो आपने सुना होगा IPS, UPSC, IAS, ठीक है, तो उसकी जो आपको जानकारी वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको BCom में जाना है तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th के बाद 10 जॉब, बहुत अच्छी जॉब्स कौन सी हैं जो आप 12th के बाद डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको जो मिलेगी मैथ्स में अगर आप कमज़ोर हैं तो उसके लिए है, और यहाँ पे ये भी वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों कि 12th में कितने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए और कहाँ पे कितने मिनिमम मार्क्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे आपने बहुत आपको प्रॉब्लम होती है कि 12th में इतने नंबर आ गए तो क्या होगा, तो ये वीडियो जो आपको दिख रही होगी ये बता रही है कि 12th में कितने मिनिमम मार्क्स किस कोर्स के लिए चाहिए होते हैं। और उसके नीचे BSc नर्सिंग की ये दूसरी वीडियो है, और ये BSc नर्सिंग की तीसरी वीडियो है। तो BSc नर्सिंग की 3 वीडियो हमने अलग से इसलिए बना रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में ये चीज़ थी। 12th के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए एक वीडियो ये भी है। ठीक है, उसके बाद ये भी वीडियो इसी 12th के बाद क्या करने की है, तो ये भी आप जरूर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं दोस्तों, आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो हमने कितनी वीडियोज़ यहाँ पे आपके लिए बना रखी हैं, 36 में से लगभग आप 20-25 वीडियो देखें, लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 1 घंटा
खर्च हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी की बात है यार, पूरी ज़िंदगी आपको आगे जाने जाके इस चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये वीडियोस देखें, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, उसके बाद सबका थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा, फिर आपको बेस्ट अपना चूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में आपको चाहिए, तो उसी वीडियो के नीचे जाके आपको कमेंट करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी हेल्प कर सकूँ, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताई हैं, और जो नहीं बताई आपको बताई हैं कि आपको उनको कैसे करना है। बहुत ही अच्छी वीडियो जी आपके लिए हैं, आप जरूर देखें। बहुत बड़ा डिसीजन होता है दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, सोच समझ के आपको ये डिसीजन लेना है। पूरी ज़िंदगी आपकी इसी चीज़ पे आपका आगे चल के डिफाइन करेगी, आपको बहुत हेल्प या नुकसान भी हो सकता है अगर आपने गलत चूज कर लिया यहाँ पे। तो ये आपको धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि आपने इतना टाइम हमें दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लाइक करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और साथ ही कमेंट भी आपको करना है नीचे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।